झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीफ सीजन की घोषणा कर दी है। खरीफ सीजन में फसल की कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 355 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। हालांकि बाजार में भाव 12 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल है। एमएसपी पे कपास की कीमत में बढ़ोतरी और कपास के मौजूदा बाजार भाव के भाव से किसान संतुष्ट हैं, लेकिन अब उनकी चिंता फसल बेचने की है। दरअसल एक बार फिर कपास फसल पर गुलाबी सूंडी कीट द्वारा हमला किया गया है। कीटों का प्रकोप इतना अधिक है कि पूरी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि फसल बचेगी और उपज मिलेगी, तभी हम आगे बढ़े हुए दामों का फायदा उठा पाएंगे। फिलहाल हम इस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फसल को पिंक बॉलवॉर्म के हमले से बचाने के लिए किसानों ने कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है। हालांकि कृषि विभाग ने अधिक छिड़काव करने पर किसानों को मना किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार कीटों का हमला पिछले साल की तरह नहीं है। किसान परेशान ना हो, जल्द ही उन्हें से राहत भी मिलेगी। पंजाब में किसान बीटी कपास की व्यापक खेती करते हैं। कुछ किसानों ने सरसों के साथ कपास भी बोई थी, जो अब गुलाबी कीटों की चपेट में है। एक किसान ने कहा है कि इस बार भी पिछले साल की तरह हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब किसान मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए, ताकि फसल को बचाया जा सके और किसानों को परेशानी ना हो। वहीं अच्छी कीमत देखकर किसानों ने बीटी कपास की खेती की थी, ताकि उन्हें बढ़ी हुई कीमत का लक्ष्य मिल सके, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। राज्य के मानसा जिले के किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार गुणवत्तापूर्वक कीटनाशक उपलब्ध कराए और उन पर सब्सिडी भी दी। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में गुलाबी बॉलवॉर्म कीटों के बड़े पैमाने पर हमले की कोई बात सामने नहीं आई है। फिर भी किसानों से मिली शिकायतों को देखते हुए कृषि विभाग अलर्ट मोड में है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिंक बॉलवॉर्म का हमला सरसों की खेतों से शुरू हुआ था। किसानों ने सरसों के साथ बीटी कपास की खेती की थी। उन्होंने किसानों से कहा कि वह अभी कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अभी तापमान बहुत अधिक है और तेज़ धूप निकल रही है, ऐसी स्थिति में कोई भी कीटनाशक काम नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।